यूपी के दोनों डिप्टी सीएम सहित कुल 12 मंत्रियों से मुलाकात का दौर। वीएल संतोष ने इनसे कुल 12 मुद्दों पर बात की। सारा फोकस सरकार की छवि, सरकार और संगठन के बीच समन्वय और 2022 का विधानसभा चुनाव रहा। यूपी की जमीनी हकीकत समझने के लिए वो 12 सवाल भी जान लीजिए आप, जिसको सामने रखकर वीएल संतोष ने यूपी की जमीनी हकीकत जानी। दिनेश शर्मा से 10 मिनट तक बात हुई तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य से 30 मिनट तक ये मुलाकात का दौर जारी रहा। अब एक एक कर वो सवाल भी जान लीजिए कि जिसके बाद इस बैठक के मकसद को, ताकि आप समझ पाएंगे। देखिए, 12 मंत्री, 12 मुद्दे, 12 सवाल। पहला सवाल, संगठन के साथ आपका कैसा समन्वय है? इसी सवाल को तमाम मंत्रियों से और पदाधिकारियों से बीएल संतोष ने इस पर चर्चा की। संगठन में, प्रदेश में संगठन कैसा काम कर रहा है, क्या गतिविधियां हैं, किस तरह से संगठन काम कर रहा है, इस पर भी बातचीत हुई। अपने क्षेत्र के सांसद और विधायकों के साथ आपका तालमेल कैसा है, पदाधिकारियों से भी ये बात जानी और मंत्रियों से भी ये बात जानी। कार्यकर्ता संगठन और सरकार से नाराज क्यों है? अगर कार्य, क्योंकि जहां भी बीजेपी शासित राज्यों में यह विषय जरूर आता है कि साहब कार्यकर्ता नाराज है, तो ये भी इस पर भी चर्चा हुई। कार्यकर्ता संगठन और सरकार से क्यों नाराज है। नंबर 5, 2022 के चुनाव के लिए आपकी क्या तैयारी है, यह भी फीडबैक लिया गया है तमाम नेताओं से। और संगठन के कार्यक्रमों में आपकी क्या सहभागिता रहती है, आप संगठन के कार्यक्रमों में किस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं, यह सवाल भी पूछा गया। और जिस विभाग की जिम्मेदारी है उसमें क्या समस्याएं आती हैं, ये सरकार के लोगों से पूछा गया और संगठन के लोगों से भी पूछा गया कि आपको अपने कार्यक्षेत्र में क्या समस्याएं आती है। पंचायत चुनाव में जो प्रदर्शन हुआ उसकी क्या वजह आप मानते हैं, ये भी जानने की कोशिश की इन तमाम बैठकों के दौर में। और कोविड की वजह से जो नकारात्मकता फैली है उसे कैसे कम कर सकते हैं, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने सेवा ही संकल्प करके पूरे देश भर में संगठन का एक अभियान चलाया है। तो इस सेवा ही संकल्प, इस अभियान की समीक्षा भी की, एक एक नेता, एक एक मंत्री से पूछा कि आपका किस तरह से इसमें सहयोग है और जनता की सरकार से क्या उम्मीदें हैं, इन उम्मीदों पर हम कितना खरे उतरे हैं, पार्टी बेहतर प्रदर्शन कैसे करेगी, ये तमाम सवाल भी थे। ये 10वां सवाल था। अगर 11वें सवाल की बात करें, बड़ा महत्वपूर्ण यह है कि नौकरशाही प्रदेश में कैसा काम कर रही है, इन लोगों का आपके काम में कितना सहयोग मिल रहा है, ये बात भी पूछी गई कई लोगों से। कौन कौन से ऐसे अधिकारी हैं जो सरकार के कामकाज में बाधा डाल रहे हैं, उनके इस बारे में भी चर्चा हुई। यानी कुल मिलाकर अगर ब्यूरोक्रेसी की बात करें तो देखिए, जहां भी भाजपा शासित सरकार है वो यही बात निकल कर सामने आती है। तो चुनाव से ठीक पहले कार्यकर्ता का मनोबल मजबूत रहना बेहद जरूरी है, इसलिए मंत्रियों से मुलाकात में कार्यकर्ताओं की नाराजगी का मुद्दा उठा। बैठक में कार्यकर्ताओं की नाराजगी को लेकर भी मंत्रियों से चर्चा हुई और नाराजगी कैसे दूर होगी इस पर राय भी मांगी गई। मंत्री अपने साथ कामकाज का ब्यौरा लेकर पहुंचे थे, जिसे उन्होंने साझा भी किया।